हेलो दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए जा रहे हैं तो पहले 2 मिनट इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि 14 दिसंबर 2023 तक आधार कार्ड फ्री अपडेट हो रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस प्रकार अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से घर बैठे ही अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं और अपडेशन में क्या क्या फ्री अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आधार कार्ड अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें आधार की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, इस तरह से आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप अपनी सुविधा अनुसार जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में आप आईडी को लॉगिन कर लें। मैं इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी भी एक भाषा को ओपन कर ले रहा हूँ। इंग्लिश पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। आप इंग्लिश वाली या हिंदी वाली ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर मेन मेन्यू में आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन 5 ऑप्शंस में से आपको माय आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब माय आधार वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डॉक्यूमेंट अपडेट का। तो जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लॉगिन करने का। जैसे ही आप लॉगिन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू इंटरफेस में आपको यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। तो जैसे ही आपका आधार नंबर यहाँ पर सबमिट करते हैं, नीचे एक कैप्चा कोड दिया हुआ है। जैसे ही आप कैप्चा कोड फिल करेंगे तो सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस ऑप्शन आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगा। और जैसे ही आप प्राप्त ओटीपी को यहाँ पर फिल करते हैं और लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपका आधार लॉगिन कर दिया जाएगा। लॉगिन के लिए आप वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर साइड में एक आइकॉन है, वहाँ पर आप अपनी संपूर्ण डाटा या डिटेल्स देख सकते हैं। अब इसके पश्चात आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है दस्तावेज अध्ययन का। अपनी पहचान का प्रमाण पत्र और पते का प्रमाण पत्र दस्तावेज अपलोड करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और यह सेवा 14/12/2023 तक अर्थात 14 दिसंबर 2023 तक बिल्कुल निःशुल्क है। अपनी पहचान का प्रमाण पत्र अगर और अपने पति का प्रमाण पत्र, जैसे अगर आप आधार कार्ड में करेक्शन कराने के लिए जा रहे हैं और उसमें अपना पता एड्रेस चेंज करवाने जा रहे हैं या कोई आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस चेंज करवाने जा रहे हैं तो आप इन दो पहचान का प्रमाण पत्र और पति का प्रमाण पत्र, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी, ये दोनों चीज़ें अगर आप अपडेट कराने जा रहे हैं तो यह 14 दिसंबर तक बिल्कुल फ्री हैं, आप फ्री में अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर पहुंचेंगे तो अगर आपको अपडेट करना है आपका आधार कार्ड तो इस ऑप्शन वाले पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि प्रिय निवासी, आपको सलाह दी जाती है कि आप नवीनतम पहचान पत्र और पति का प्रमाण दस्तावेज जमा करके अपने आधार डेटाबेस में दस्तावेजों को अपडेट करके अपने आधार को मजबूत कर लें। अर्थात अगर आपने बहुत समय पहले आधार कार्ड बनवा लिया है और उसको बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया है, तब भी आप अपने घर पर ही मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से इन दोनों में से किसी एक चीज़ को अपडेट कर अपने आधार को पुनः अपडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि यह सेवा 14 दिसंबर 2023 तक निःशुल्क है। अब आधार कार्ड अपडेट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, यदि आप अपने आधार में पता अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। तो जैसे ही आप पता क्लिक करें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे। अपडेट आधार ऑनलाइन, पता अपडेट करने के लिए यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पुनः एक सामान्य से निर्देश दिए जाएंगे कि किस किस प्रकार से आप अपना आधार कार्ड अपडेट कर सकते हैं। संपूर्ण ब्यौरे को डिटेल में पढ़ने के पश्चात नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है आधार अध्ययन करने के लिए, आधार अपडेट करने के लिए आगे बढ़ें, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नाम अपडेट कराना, जन्म तारीख अपडेट कराना और लिंक अपडेट कराना। अर्थात आपको नाम में कुछ करेक्शन करवाना है तो आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शन करवाना है तो आधार सेंटर जाना पड़ेगा, मेल फीमेल वाला कोई लिंक अपडेट करवाना है तो भी आपको आधार सेंटर जाना पड़ेगा। लेकिन सबसे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है पते का, अगर आप पता अपडेट कराना चाहते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है और आप चाहें तो अपने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से घर से ही इसे अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही में यह भी जानकारी है कि आप अपने आधार में 2 बार नाम अपडेट कर सकते हैं और जन्म तारीख को लिंक अपडेट कर सकते हैं। तो पता अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर सामान्य सा पता वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर आधार अपडेट करने के लिए आगे बढ़ने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप आधार कार्ड अपडेट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो वर्तमान वाला पता है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप इस पते को आसानी से आप चेक कर लेंगे और इसके बाद आगे जो पता आप अपडेट करना चाहते हैं उस पते को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर पता फिल कर देंगे तो पता फिल करने के पश्चात अब आपको अगला ऑप्शन का क्लिक करना है। जैसे ही आप अगले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी पता फिल किया है उसका एक पूर्व अवलोकन आ जाएगा कि आप पुनः एक बार चेक कर लीजिए कि जो आपने अभी तक पता फिल किया है वह सही है या उसमें कुछ करेक्शन करना है। और जैसे ही हम इन सब चीज़ों को आराम से वेरीफाई कर लेते हैं, वेरीफाई करने के पश्चात में
आपको उस पते से संबंधित एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट के आधार पर आपका परिचय पत्र भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई राशन कार्ड या कोई गवर्नमेंट आइडेंटिटी जो कि वेरीफाइड है वह कंप्लीट हो सकती है। कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही आप यहां पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो पता है उसका एक रेफरेंस नंबर इस प्रकार से SRN नंबर करके इस प्रकार से एक रेफरेंस नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, जिसके आधार पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो करेक्शन किया है वह कहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब चेक करने के लिए हमें क्या करना है, पुनः हमारे होम स्क्रीन पर आना है और होम स्क्रीन पर आने के बाद में जहां पर हम माय आधार वाले ऑप्शन पर पूर्व में गए थे जहां से हमने डॉक्यूमेंट अपडेट किया था उसी के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है चेक आधार अपडेट स्टेटस। जैसे ही आप चेक आधार अपडेट स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है कि आपने आधार अपडेट करने के पश्चात जो एक आवेदन नंबर SRN नंबर जो आपने प्राप्त किया था, जैसे ही आप आधार अपडेट करने जा रहे थे तो यहाँ पर ऑप्शन में एक SRN नंबर था जो आप अपडेट करते समय आपको मिला था, उस SRN नंबर को यहाँ पर अगर आप फिल करेंगे और दिया हुआ कैप्चा कोड फिल करेंगे तो प्रस्तुत करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी करेक्शन किया है वह करेक्शन कहाँ तक पहुँच गया है। और सेम जैसे ही आप आधार कार्ड अपडेट कराते हैं तो लगभग 8-10 दिन 15 दिन के अंदर एक न्यू आधार आपके पते पर जो आपने यहाँ पर अपडेट किया है वहाँ पर आपको UIDAI के द्वारा भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए हमें कमेंट जरूर करें।